हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुमन, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितनी भी जानकारी है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर स्थल, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। और जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और अंत में हमने यहाँ पर चार पांच भाग ऐसे बनाए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के हैं। और हमने कोशिश करी है कि आपको ये प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्प देंगे। तो देखिएगा, ये वीडियो देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए वीडियोज देखने को मिले। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, भाग वन। ठीक है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम प्रकाश में आया था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल है वो है हड़प्पा। ठीक है, जिसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो सर्वप्रथम प्रकाश में है वो हड़प्पा, जिसके नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखिएगा, जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है ना, और सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो वैसे हमने अलग से हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर के बारे में पढ़ा है, आप पहले वाले वीडियोज़ में देखिएगा हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने जो स्थल हैं उनको नगर की संज्ञा दी जा सकती है, वो हैं छः स्थल। और छः स्थल हैं, इनके बारे में भी हमने पहले अच्छे से पढ़ा है। और ये छः स्थल कौन कौन से थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली। ठीक है ना, इन सब के बारे में हमने अलग से डिटेल से पढ़ा हुआ है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र लगभग किस आकार का है। तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वह त्रिभुजाकार है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, फिर है, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा का निर्धारण होता है, किससे होता है, सुतका गेंडोर से। देखिएगा, इसमें यहाँ पर उत्तर में कौन सा है, मांडा जो कश्मीर में है, नदी कौन सी है, चिनाब नदी। तो मतलब कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करी है, वो देखिएगा। उत्तर दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, मांडा कश्मीर चिनाब नदी, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी, पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन और भी बताती हूँ मैं आपको सुतका गेंडोर के बारे में। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का चौराहा किसे कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का चौराहा सुतका गेंडोर को कहा जाता है। ठीक है ना, ये सारी बातें ध्यान में रखने वाली हैं, तो आप अच्छे से इन सबको देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन स्थल हैं कौन से हैं। हड़प्पा पूर्व अर्थात हड़प्पा सभ्यता का पहले का, और हड़प्पाकालीन तो वो है आपका कालीबंगा एवं बनावली, रंगपुर एवं रोजदी, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। तो इनमें से ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा इसका रंगपुर एवं रोजदी, ये हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन स्थल हैं।
सिंधु निवासी कहाँ से टिन का आयात करते थे? तो सिंधु निवासी वो अफगानिस्तान से टिन का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है सिंधु निवासियों को। ठीक है, हड़प्पाई लिपि है चित्राकार, सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय का माध्यम था वस्तु विनिमय, और सिंधु सभ्यता की मुहरों का आकार कैसा है? वर्गाकार एवं बेलनाकार मुहरें। ठीक है ना, तो जो आपके जो ये हड़प्पाई लिपि है इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण हम सिंधु घाटी सभ्यता को आधे ऐतिहासिक काल में रखते हैं, और इसके जो चित्र हैं उनसे ही हम अंदाज़ा लगाते हैं। अतः इस लिपि को चित्राकार लिपि, संकेतात्मक लिपि भी कहा जाता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाथी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तांबे का गला हुआ ढेर कहाँ से मिला है? तो तांबे का गला हुआ ढेर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधवकालीन युद्ध के हथियार नहीं थे, कौन सा नहीं था? तलवार, कटार, तोप। तो इसमें से आएगा तोप, तलवार और कटार उनके युद्ध के हथियार थे। निम्नलिखित में से किस स्थान से पित्तल का इक्का पाया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो पित्तल का इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता वो कांस्य युगीन अर्थात ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है, और आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी से कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वोच्च नाम, सबसे उत्तम नाम कौन सा है? वो है हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले? आलमगीरपुर, कालीबंगा, सुरकोटड़ा और राखीगढ़ी। तो इसमें आएगा सुरकोटड़ा। अब देखिएगा, लोथल तथा रंगपुर से घोड़े की मूर्ति तथा सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने अलग से ये नोट ऐड करा है। यहाँ पर देखिएगा, लोथल और रंगपुर से तो घोड़े की मूर्ति मिली है, और सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। और ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? तो वो आपका है सुरकोटड़ा। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट 15-16 क्वेश्चन पढ़े हैं। आगे हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न उत्तर का भाग 2 भी बनाया है, तो कंटिन्यूस देखिएगा। और भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।